मैं हूँ सारिका। सारिका किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया राइस, तो आइए बनाते हैं सोया राइस। इसके लिए हम सारी सब्जियाँ काट लिए। हम लेंगे 2 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, सोयाबीन। सोयाबीन को आधे घंटे नमक वाले पानी में भिगो देंगे। सोयाबीन को धोकर सारे पानी अच्छी तरह से गार लेंगे। कुकर गर्म कर लिए हैं। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, 2-3 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज़पत्ता और लहसुन, मिर्च, सभी को भून लेना है। ऐसे प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी को कूट लेंगे और डाल देंगे। गाजर भी ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, सोयाबीन। सभी सब्जियों को भून लेंगे, अच्छी तरह सभी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। और इसे चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च। 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को फ्राई करेंगे। दो कटोरी चावल लिए हैं। चावल को 2-3 बार पानी से धो लेंगे। चावल धोने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। चावल ऐड कर दिए, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस बॉल से हम चावल लिए थे उसी बॉल से पानी लेंगे। 2 कप चावल लिए थे, 3 कप पानी लेंगे। चावल से 1.5 गुना पानी डलाता है अगर कुकर में आप बना रहे हैं तो। इसमें अब नमक डालेंगे, नमक अपना स्वादानुसार ही डालें। अब इसे चला लें। इसमें अब 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 1 सीटी आने पर गैस बंद कर देंगे और ठंडा हो जाने पर ढक्कन खोल देंगे। हमारा सोया राइस बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।